दलीप ट्रॉफी 2024 का ऐलान तो हो चुका है, स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है और 5 सितंबर से आप घरेलू क्रिकेट यानी कि दलीप ट्रॉफी 2024 देख पाएंगे। और ये मैच जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जो कि टीम इंडिया में वापसी करना चाहेंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है जडेजा को लेकर, सिराज को लेकर और उमरान मलिक को लेकर। देखिए ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो अब स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आपको बता दें कि जड्डू का तो रिप्लेसमेंट अभी नहीं आया है, लेकिन बात करें अगर कारण की कि किस वजह से जड्डू बाहर हुए हैं तो अभी इस बात की जानकारी जो है वो सामने नहीं आई। हालांकि ये कहा गया है कि आराम दिया गया है। बाकी सिराज और उमरान मलिक की बात करें तो दोनों को इलनेस यानी कि बीमारी की वजह से उन्हें आराम दिया गया है। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो उनका रिप्लेसमेंट का ऐलान हो गया है। नवदीप सैनी जो है वहाँ पर नजर आएंगे जो कि गौतम गंभीर के बहुत खास भी माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर उमरान मलिक के रिप्लेसमेंट की तो उमरान मलिक का रिप्लेसमेंट जो है वो गौरव यादव होंगे। जड्डू के रिप्लेसमेंट का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। आपको बता दें कि टीम बी का हिस्सा है सिराज और टीम बी का हिस्सा है जड्डू। और दोनों प्लेयर्स जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, एक स्पिनर है एक तेज गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं कमी टीम को खलेगी। लेकिन जब बात आती है ग्रुप सी की तो वहाँ पर उमरान मलिक जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे। तेज गेंदबाज जिन्होंने आईपीएल में धमाल मचाया था, डोमेस्टिक क्रिकेट भी इनका ठीक ठाक रहा है, लेकिन अब ये टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बीमारी की वजह से इन्हें जो है वो स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है, आराम दिया गया है दोनों प्लेयर्स को। जडेजा की बात करें तो अभी तक जडेजा के रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं किया गया है। अब दलीप ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पर 4 टीमें होंगी, टीम ए होगी, टीम बी होगी, टीम सी और टीम डी। टीम ए की कमान जो है वो गिल के हाथों होगी, टीम बी की कमान जो है वो अभिमन्यु ईश्वरन के हाथ होगी, टीम सी की कमान जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ और टीम डी की कमान जो है वो श्रेयस अय्यर के हाथों में होगी। टीम बी जो है वो बहुत ही तगड़ी टीम नजर आ रही थी अगर कंपेयर किया जाए चारों टीमों से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े खिलाड़ी, आपके पास जायसवाल भी हैं, आपके पास है ऋषभ पंत, आपके पास जड्डू और सिराज भी थे, लेकिन अब ये दोनों खिलाड़ी आपके पास नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं टीम थोड़ी सी जो है वो वीक होती नजर आ रही है। हालांकि नवदीप सैनी जिन्होंने टीम इंडिया में भी अच्छा कमाल किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट भी इनका अच्छा खासा रहा है, तो टीम बी के स्क्वाड पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए टीम बी की बात करें, अभिमन्यु ईश्वरन जो कि कप्तान है, जायसवाल होंगे, सरफराज खान, ऋषभ पंत, मुशीर खान, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा जो कि अब नहीं है, मोहम्मद सिराज भी अब टीम का हिस्सा नहीं है, यश दयाल, मुकेश कुमार, राहुल चाहर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी और एन जगदीशन। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो उनकी जगह नवदीप सिंह सैनी को रखा गया है। तो टीम जो है वो काफ़ी बैलेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों प्लेयर्स का ना होना टीम के लिए थोड़ी सी जो है वो अच्छी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जडेजा जो कि अच्छे खासे एक आप कहते ना कि आपके पास बहुत ही अच्छा खासा स्पिनर है जिसे काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस भी है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो टीम इंडिया के लिए बहुत धमाल मचा चुके हैं, आपको याद होगा एशिया कप वहाँ पर उन्होंने 6 विकेट चटकाए थे, तो एक आर्ट होती है प्लेयर्स पे। तो यहाँ पर अगर नहीं है ये खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता का विषय भी है, क्योंकि 19 सितंबर से भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पर अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होंगे तो टीम के लिए थोड़ी सी ड्रॉबैक हो सकते हैं। हालांकि उम्मीद है कि वहाँ तक टीम के सारे प्लेयर्स जो है वो ठीक ठाक हो जाएँ। और दलीप ट्रॉफी की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स आपको नजर आएंगे और बड़े प्लेयर्स इसलिए भी होंगे क्योंकि टीम इंडिया में वापसी करना चाहेंगे। ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन जो है वो काफ़ी टाइम से टीम इंडिया के लिए नहीं खेल पाए हैं, बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया है इन्हें। और श्रेयस अय्यर की टीम का हिस्सा है, श्रेयस अय्यर की बात करें तो उन्हें भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया है, लेकिन वो टीम का हिस्सा हो चुके हैं। श्रीलंका सीरीज में आपको नजर आए थे श्रेयस अय्यर, क्या यहाँ पर ईशान किशन कमबैक कर पाएंगे? अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या जडेजा का रिप्लेसमेंट या फिर जो सिराज का रिप्लेसमेंट, जो नवदीप सैनी आए, उमरान मलिक के रिप्लेसमेंट की बात करें तो वहाँ पर आपको गौरव यादव नजर आएंगे, तो आपके हिसाब से चारों टीमों में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस नजर आती है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।